रमो अर्हंताड़म रमो सिद्धाड़म रमो वारियाड़म रमो वज्रायाड़म रमो लोए सवसाहूलम शुद्धात्मान मनिकांतम साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थम संदृष्टार्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि आते भई अर्हंताल महान। यलो पार्श्वनाथ भगवान की सारी ब्लॉके ही खुल जाए। आज लोगों की ब्लॉकेज इसीलिए तो है कि मन ब्लॉक है। अरे दवाइयों से नहीं खुलेंगे, भक्ति से खुलेंगे। जिन भक्ति सदैव हृदय में बसी रहे, सुख की सृष्टि होती रहे हमारे जीवन में, कभी हम किसी उलझन में न उलझे। सारा समाधान भगवान जिनेन्द्र के चरणों में है। लेकिन ध्यान रखना, ये रत्नत्रय प्रकट करने योग्य उपाधि है। रत्नत्रय प्रकट करने योग्य उपाधि है, संवर निजरा और मुक्त तत्व है। ये शुद्धात्मा आश्रय करने योग्य है, परद्रव्य न आश्रय करने योग्य है न प्रकट करने योग्य। अरे धनाधिक तो मिल जाए तो सदुपयोग कर लो, संयोग मिल जाए तो सदुपयोग कर लेना चाहिए उसका, और भेद ज्ञान रखना चाहिए इनमें परमाणु मात्र मेरा नहीं। पानी का बबूला है, बिजली की चमक न जाने कब छूट जाए। समय रहते सदुपयोग कर लेना चाहिए। सदुपयोग आप जानते हैं, कछ अचल है, कछ श्रावक जन, कछ दुखिया धन देई, क्षमा क्षमा सभी सो कह के मन की सल्या नहीं। जब आपके उपयोग का सदुपयोग होगा तो सबका सदुपयोग हो जाएगा, जो कुछ भी आपके पास हो। और जब तक उपयोग का सदुपयोग नहीं, तब तक काय का उपयोग। ये भी एक कारण है आज पतन का, कि सारी संपत्ति प्रभाव उन लोगों के पास पहुंच रहा है जिन्हें कुछ होश नहीं। अपना पेट भरो, उनको ये नहीं दिखता संस्कार कैसे पड़े। हम कहां खड़े हैं, कौन थे और क्या हो गई। जितना बन सके उतना प्रदर्शन से बचो। श्रृंगार का प्रदर्शन शील का घातक है, धन का प्रदर्शन तुम्हारी शांति का घातक है, और धर्म में प्रदर्शन तो सबका ही घातक है। अंतर की चीज है, जितना बन सके प्रयत्न करो कि प्रदर्शन से बचो। और प्रदर्शन का भी जब मौका आए तो उत्कृष्ट प्रदर्शन करो। स्टैंडर्ड मत गिराना। चर्चा आ गई, जरे चार जने निकाल लिया, छह जने निकाल लिया, हमने कहा भैया काय को कर रहे। उस जलेब का स्तर मत गिरा। जब चलो तो सब चलो,
उत्साह से करो, मन से करो, लेकिन ये निमिषा चले गए, क्या होगा, दे कर रहे, अरे उनका हमारा क्या मेल है भैया। उनसे अगर कोई ये 10 कह देगा तो कुछ नहीं, और तुमसे एक कह देगा तो क्या होगा। कोई अपनी इज्जत भी है, अपनी प्रतिष्ठा भी है भाई। ज्ञानम कयाने प्रतिष्ठते, वो तो अद्भुत बात है, लेकिन आप अपना विवेक मत खो, जोश में आकर के होश मत खो। नकल करना, लेकिन किन की नकल करना, काय के लिए। बंदे तदगुण लब्ध है, असल के लिए नकल करना। नकल करने में भी अकल चाहिए, और नहीं तो पड़ोस के लड़के को देख करके लिख दिया स्वयं का सही था तो गलत और हो गया। प्रदर्शन का अर्थ होता है उत्कृष्ट दर्शन। खेल में कह देते ना, आज तो तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम होते, अरे भाई बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ। पर अच्छा माने का भीतर का हो, ऊपर का नहीं। केवल भक्ति आप पढ़ रहे थे रोम रोम से भाई, रोम रोम में होता है कि अकेले ऊपर से कब जाता है क्या, रोम रोम कब जाता है। वेदना पूरे में होती क्या, अधूरे में होती है। कहीं भी हो आंख है वही। रामचंद्र जी कहते हैं, वो लक्ष्मण सुमित्रा ने पूछा, बेटा जब तुम्हें शक्ति आवरण लगाई थी तो कैसा दर्द हुआ था, कि मां मैं तो सो गया था, मुझे नहीं मालूम भाई, दर्द तो राम से पूछो। दर्द तो राम से पूछो, कैसा दर्द हुआ था भी जान। आनंद भी बेजान है, राम भी बेजान है, हमारा क्या, हमें क्या करना है, हम क्या कर लेना है। एक आपको दृष्टांत याद होगा बहुत पुराना। एक बार क्या हुआ, एक छोटा राजा मर गया, देहांत हो गया। मर गया नहीं बोलते अपने यहां, देहांत बोलते हैं, स्वर्गवास बोलते हैं। सब स्वर्ग में ही जाते हैं, जाए भले अपने चाहे अपने परिणाम से कहीं जाए, हम काय को अपनी भावना बिगाड़े। स्वर्गवास हो गया, बड़े राजा ने उसका राज्य संरक्षण में ले लिया और उनको खर्चे लायक अपना देते रहे, कोई बदनीयत से नहीं। ध्यान रखना, बदनीयत से बदराजे से कभी कोई काम मत करना। अभिप्राय सम्यक हो, उपयोग सूक्ष्म हो और चर्या व्यवस्थित हो। तुम्हारी चर्या देखकर घड़ी मिलाने वाले ये निकल रहे हैं, अब तो 8 बजे हुए हैं, पूजा का समय है, स्वाध्याय का समय है। तो उसने राज्य संरक्षण में ले लिया, किसी बदनीयत से नहीं, बड़ा हो जाएगा तो उसको राज्य देंगे। समय जाते देर नहीं लगती, सागरों की आयु ऐसे बीत जाती पता नहीं पड़ता। एक दिन विदाई की बेला आ गई, कांगे भैया क्या कहा था हमने, विदाई की बिला आने से पहले विदाई की बिला पुस्तक पढ़ लेना, कोई रोक नहीं पाएगा, कोई काम नहीं आएगा, कोई साथ नहीं आएगा। जैसे तुम्हारे परिणाम है वही तुम्हारे साथ जाए। लड़का बड़ा हो गया, बालिग हो गया, राजा ने कहा अब इसका राज, इस पिता का राज इसको दे देना चाहिए। उसने खबर भेजी, लड़की को दरबार में भेजो। बुलाने गए, माने का बेटा
आज तुम पहली बार दरबार में जाओगे, वो राजा है वो जाने कहा पूछे, जे पूछे तो जे जवाब दियो, जे पूछे तो जवाब दियो, जे पूछे तो जे जवाब दियो। चार छह उसको प्रश्न उत्तर याद कराए। बेटा बोला, माँ राजा ने अगर और कुछ पूछा तो हम क्या जवाब देंगे, अब तू जा। सिखाए पूत तो दरबार में नहीं जाते, मोक्ष में कैसे जाएंगे? जब तक पराश्रित ज्ञान रहेगा तब तक मोक्ष मार्ग नहीं होगा, या जिस दिन स्वाश्रित ज्ञान प्रकट होगा उस दिन मोक्ष मार्ग होगा। भक्ति कराने की चीज नहीं है, भक्ति करने की चीज है, मजबूरी है। एक बोलता जाए सब दोहराते हैं, लेकिन भक्ति करने की चीज नहीं, कराने की चीज नहीं है। कराने के लिए उसका मतलब करने के लिए, ओ भगवान की पावन प्रतिमा को देख करके कैसी सुंदर भक्ति दिखी है, मैं जीवन दुख सब भूल गया यह पावन प्रतिमा देख प्रभु, मैं जीवन दुख सब भूल गया यह पावन प्रतिमा देख प्रभु। इस प्रतिमा को देखते ही सारा दुख भूल जाए, अरे देह में नहीं हूं, संयोग मेरे नहीं है, मैं ज्ञान मात्र हूं, आनंद स्वरूप हूं, सच्चिदानंद प्रभु हूं, शाश्वत परमात्मा हूं। मुद्रा देख केवली की मुद्रा याद आवे जहां, जाके आ गए इंद्र की विभूति सैतनसी। इंद्राज की विभूति ऐसी लगती है छोड़ने लायक है। भक्तामर का अर्थ सुना कवि, भक्तामर प्रणत मौल मणि प्रभाणाम उज्योतकम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम जिन पार युगम युवादा बालम बनम भवजले पत्ताम जनाना। भक्ति से भरे हुए हृदय हैं जिनके, समार निरई सुबाणी में आ गई है। भक्ति से भरे हुए देवता इंद्र, उनके मुकुट उन पर लगी है मणियां, और वे नमस्कार कर रहे हैं किनको, इन भगवंतों को। भक्तामर प्रणत मौल मणि, प्रणत माने झुके हुए। ध्यान रखना प्रवचन सार जी का वाक्य है, जो प्रणत होता है वही अनुग्रहित होता है। जो बर्तन आपने देखा है झुकता है वही भरता है। प्लास्टिक की बाल्टी देर में भरते और लोहे की बाल्टी जड़ से भर जाती, पीतल की बाल्टी जड़ से भर जाती, क्यों? झुक जाती है भर जाती है। झुकना सीखो अगर भरना है तो। और लेकिन ध्यान रखना, संयोगों की ओर झुकोगे तो पाप से भरोगे, भगवंतों की ओर झुकोगे तो पुण्य से भरोगे, और अपनी ओर झुकोगे तो धर्म से होगा, सच्चा सुख प्रकट होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो संयोगों की ओर भोगों की ओर अगर तुम्हारा झुकाव रहेगा, तुम्हें वे अच्छे लगेंगे, तुम्हें प्रशंसा सुहाएगी, तुम्हें भोग सुहाएंगे, माने क्या कुछ खाना पीना उल्टा सीधा, क्या कुछ पहनना अगर तुम्हें अच्छा लगेगा तो दुखी होगे, तो पाप का फल दुख है, दुखी हो। और अगर तुम्हें वितरागता सुहाएगी, सर्वज्ञता सुहाएगी, तेरी शांत मुद्रा मुझे भा गई, सुहा जाएगी ये मुद्रा, अद्भुत मुद्रा है विश्व की, अद्भुत मुद्रा है। इस मुद्रा के आगे मस्तक स्वयं झुक जाता है, अगर नहीं झुके तो मानी महामानी है। जिस मुद्रा को देख करके मस्तक सहज झुक जाता है और आनंद से भर जाता है। अगर यहां झुकेंगे तो इंद्री सुख, और अपने में झुके स्वाति इंद्री सुख। अभी पाप पुण्य धर्म कहा था, अब दुख इंद्री सुख और अति इंद्री सुख,
मां ने कहा बेटा जाओ अब तुम होशियार हो, ठीक है। पहुंचा दरबार में लड़का, राजा बैठी थी सिंहासन पर, राजा ने कहा बेटा यहां आओ, महाराज आज्ञा करो। उन्होंने राजा ने झट से दोनों हाथ पकड़ लिए उस लड़के के, बोले बताओ अब तुम हमारे बस में हो, अब क्या करोगे। लड़के के दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा बोलो अब तुम क्या करोगे, अब तुम सब तरह हमारे बस में हो। लड़का बोला महाराज लड़की का एक हाथ पति पकड़ता है, सारे जीवन निर्वाह करता है, आपने हमारे दोनों पकड़े हैं, अब क्या हम चिंता, अब हमको चिंता क्या है। ऐसे हमको अब क्या चिंता, जिनके से जिंदाज बसे उनको भय कैसे हो, जिनके हृदय जिंदाज बसे उनका कोई क्या बिगाड़ेगा, जिनको भेद विज्ञान हुआ उनका कोई क्या बिगाड़ेगा, जिनको समता भाव हुआ उनका कोई क्या बिगाड़ेगा। तुम्हें मालूम है ये पार्श्वनाथ की चर्चा कवि ने पार्श्वनाथ के नाम से कही, पार्श्वनाथ मुंडा ध्यान में मग्न बैठे थे, उधर से एक कल्पना होती कवि की, कामदेव और रति दोनों निकल रहे थे घूमने, तो रति को मौका मिल गया, क्यों ये तुम्हारे बस में है कि नहीं, तुम बस इन पर कोई हथियार नहीं है, कुछ बोलते नहीं, कुछ ही से द्वेष नहीं है, ये तुम्हारे बस में है कि नहीं। अब कामदेव बगले हकने लगा इधर उधर, हूं प्रिय ये हमारे बस में नहीं है, क्यों इन्होंने हमारे स्वामी मोह को जीत लिया है, तो हम किंकर किस में है, जब इन्होंने हमारे स्वामी मोह को ही जीत लिया है तो हम किंकर किंबा वयम किंकरा, हम किंकर कौन कहां लगते हैं इनको, हम इनके पास कभी नहीं आते, भिखारी भाव सचमुच नहीं आते। भक्तामर में मंतुम स्वामी कह रहे हैं भक्तों से इंद्र झुके हुए हैं चरणों में भगवान की में, कुछ तुम्हें सिखा रहे हैं, कुछ तुम्हें दिखा रहे हैं, क्या ये पुण्य का वैभव विकरालता के चरणों में समर्पण करने लायक है, भाग्य से तुम्हें वैभव मिला है, भाग्य से मिली वाणी, कुछ गुणानुवाद भगवंतों का कर लो, कुछ तत्वों की चर्चा कर लो तो तुम्हारी वाणी सफल है, और लड़ मरे तो कहा सफल होगी। जीवन में एक बात ध्यान रखना, कभी किसी बात को प्रतिष्ठा पॉइंट मत बनाना, हमारी का प्रतिष्ठा भैया कछु नहीं, हम सब से छोटे हैं, सब ही के लग भैया, सबके कुबोल सही है, तुम कह लो और कह लो भैया। अगर आप छोटे बनेंगे तो बड़े हो जाएंगे, और अगर तुमने कोशिश करी हमने कह रही हमारी बात नहीं मानी, अरे प्रतिष्ठा पॉइंट मत बनाना, कभी मत बना, इनकी चल गई उनकी चल गई, अरे इनकी उनकी का होते है, वस्तु का पर्णमन स्वयं ही होता है, वस्तु का पर्णमन कोई कुछ करता नहीं। कभी जीवन में छोटी छोटी बातों को प्रतिष्ठा पॉइंट मत बनाना, अपनी प्रतिष्ठा को पहचानना, ये बदस्पष्ट भाव ऊपर ऊपर रहते हैं, ऊपर ऊपर तैरते हैं, भिन्न रहते हैं, उस आत्मा में प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं करते। अरे कोई नहीं कहेगा, कोई बिरला कहेगा, अगर एक कुत्ता आ जाए और भगता चलाए और लगा जाए अरे भगो भगो भगो, जबकि कुत्ते को सम्यक दर्शन हो सकता है, संगी है,
समंतवाद स्वामी कहते हैं भैया क्या कहते कन्हैया क्या कह रहे, धर्म के प्रभाव से कुत्ता तो देव हो जाता है और देव एक इंद्रिय हो जाता है पाप के फल से। पाप के फल से देव एक इंद्रिय हो जाता है और कुत्ता देव हो जाता है। का देख रहे का बदल रहे, जैसा रहने वाली नहीं है, जब बेदिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। एक बात ध्यान रखना, जब तक तुम्हारे दुर्भाव नहीं होंगे तब तक दुर्दिन नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, कोई नहीं ला सकता। जब पहले दुर्भाव आएंगे तब दुर्दिन आएंगे। तुम्हें मालूम है ये कलिकाल कैसे आ गया? हिंदुओं में कथा है, एक व्यक्ति ने अपना एक मकान बेच दिया तो वो खोद रहा था नींव बनाने के लिए, उसी में एक कलसा निकल पड़ा। कलसा जब निकला तो उसने कहा ए भैया सुनो, हमने मकान लाओ कलसा थोड़ी, कलसा तुम्हारा आएगा उसको ले लो। बोले हमने सब बेच चुके तो हम कहा लेंगे, हमारा कहा है हमें, यहां में कछु निकले पत्थर निकले कंकड़ निकले मट्टी निकले कलसा निकले हम कहा है ये कलसा तुम्हारा। दोनों में आपस में विवाद होने लगा, वे कहते कलसा तुम ले, ये कहते कलसा तुम ले, क्या करें। चलो राज दरबार में, न्याय का दरबार, चलो चलो रे जिनवर दरबार में न्याय मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा यहां? जो नहीं मिलेगा वो मिलने लायक है ही नहीं, ये समझ लेना। और जो मिलने लायक है वो सब मिलेगा, तुम सार के दातार पाए। दरबार में पहुंचे, राजा ने कहा क्या बात है, आज कौन सा केस आ गया? कि साहब ऐसी ऐसी बात है, इन्होंने हमें मकान बेचा है उसमें कलसा निकला है, अब हम कहते हैं तुम अपना कलसा ले। क्यों भाई क्या बात है? बात यह है हमने बेच दिया, अब हमारा कहा जाऊं, हम कैसे कलसा ले? ये तो बड़ी उलझन की बात है। शाम का थोड़ा समय होने लगा था, उसने कहा राजा ने भाई कल आना आप लोग। दोनों लोग चले गए। अब कलिकाल आना है, कलिकाल आना है, कैसे आएगा सोचो। वो बेटा अपने कमरे में सोचता है अरे मैं बोला बुद्धू हूं, वो अपने आप तो दे रहा है, मुझे ले जाना चाहिए। बात तो सही है, उसने जब मकान बेच दिया था उसका क्या, बिल्कुल ठीक है, हम कल से ले लेंगे कल। और वो बोला बात तो सही है, जमीन बेची है कर्जा तोड़ूंगा जो हमने, वो खुद देने आया और तो भी हमने लौटा दिया, कल सवेरे होगा मैं ले लू। और राजा सोचता है ऐसे बुद्धू आए गए दो के दो लड़क लड़क भगा देते दोनों को, जा भगो खजाने को, कल आएंगे दोनों को भगा देंगे और कल था रख लेंगे। समझ गए कैसे आया परिणामों से। यही पंचम काल है, यही छठवां काल है, यही चौथा काल है, यही तीसरा काल है, यही पर कैसे परिणामों से। जब चौथा काल होगा तब यहां भक्ति शंकर होंगे, आज छठवां काल होगा तो यही दुखी होंगे, यही कल्पवृक्ष होंगे, यही ये वृक्ष होंगे, और यहां कुछ भी नहीं होगा, एक दूसरे को मारे खाए जाएंगे। बंद मोक्ष ही परिणामों से नहीं होता, संसार में भी जीव की दशा परिणामों के अनुसार होती है। देखो
पाप का उदय हो, पाप के परिणाम हो और नहीं भी हो, कोई जरूरी नहीं है। पाप का उदय तो है, संकलेश नहीं कर रहा, शांति अपने अपना चित्त विचार में लगा रहा, अच्छे विचारों। पाप का उदय हो, पाप के परिणाम नहीं हो, लेकिन पाप के परिणाम होंगे तो पाप का बंध नियम से होगा, कोई नहीं रोक सकता। पुण्य का उदय हो, पुण्य के परिणाम नहीं हो, खूब पैसा है, खूब समय है, खूब शक्ति है, खूब बुद्धि है, खूब प्रभाव है, उसका दुरुपयोग कर ले। क्या कमी थी विचारों के, देश बेच के खाए गए, विदेशों में रखे आए, देश की संपदा को वहीं की वहीं रह गई। क्या कमी थी, करोड़ी नहीं दिखाने के लिए। अरे गरीबी और बेईमानी दोनों अलग अलग चीजें हैं, विचार करना अपने परिणामों से ही बंद होता है और परिणामों का निमित्त बा करके बंद होता ही होता है। हम किसी को कुछ नहीं समझते, अरे किसी को कुछ नहीं समझते, तुम अपने को तो समझ लो, सबको समझ जाओगे। जो अपने को आत्मा समझेगा वो सबको भगवान समझेगा। हम किसी को कुछ नहीं समझते, वही गलती क्या है। अरे गलती नहीं होती तो संसार में रुल के काय को हो लिया, गलती नहीं होती तो बैठे काय होती। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास जाए और कहे हमको कोई रोग नहीं, अरे रोग नहीं तो हम का कह रहे, कछ कह रहे तुम्हारे काय को नहीं, कि हम अगर तुमको कोई रोग नहीं है तो तुम आए क्यों हो भैया, और आए हो तो इसका मतलब है कोई रोग, कोई खास बात है नहीं। अरे खास बात क्या होती है, एक भाई बोला पंडित जी आप, हम भगवान होते तो कहा यहीं बैठे होते, हमने कहां बैठना है, तुम कहां बैठो, यहां तुम भगवान स्वरूप हो लेकिन बैठे इसलिए हो तुम्हारे परिणाम खोटे, तुम्हारे परिणाम अच्छे है, परिणामों के फर्ज ही बैठे। ये मत सोचो, और परिणाम आप अपने निर्मल करके सिद्धालय में बैठ सकते हो, यहां तुम नहीं बैठ सकते, बैठ सकते हो, अभ्यास करो ऐसे ही, इतनी करुणा लाओ, यही दृष्टि बनाओ भेद ज्ञान की, बैठे बैठो, अच्छी बात है, और तुम ही बैठोगे, हम नहीं बैठे रहेंगे। लेकिन छीन करके नहीं, पिता की संपत्ति को छीन करके लेना मत जाओ, पिता की सेवा करके लेना जाओ। क्यों भाई, बच्चों कितने बातें बताई थी तुम्हें, एक तो माता पिता की सेवा से कभी विमुख मत होना, कभी उपेक्षा मत करना उनकी, कभी मत बोलना आपका जानो, कभी मत बोलना तुमने हमें धोखा है, अरे आज तुम जो हो सो उन्हीं का प्रसाद है। माता पिता की कभी अवज्ञा मत करना, उपेक्षा मत करना, अनादर करना तो बहुत बड़ी बुरी बात है, और अपने धर्म को मत छोड़ना, सिद्धांत को नहीं छोड़ना, सिद्धांत से चला मत मानो, दुख में सुख में कहां शरण लेंगे, ये भगवान जी बताओ कब शरण लेंगे। चार शरण कभी अपने सिद्धांत को मत छोड़ना, उपकार का मौका आए तो कभी मत भूलना, उपकार का मौका मिले तो अपकार का बदला भी उपकार से देना, उपकारी का उपकार तो करते ही है लोग, लेकिन धन्य है वे जो अपकार का बदला भी उपकार से देते हैं। ये हमें जिनागम सिखाता है, जैन गुरु सिखाते हैं, यशोधर मुंडा है थे, श्रेणिक ने क्या किया था, सांप मार करके डाल दिया था,
क्या किया था? उपसर्ग किया था। चेला ने उपसर्ग दूर किया और दोनों को, ये पार्थ प्रभु विराजमान है, बोलो कमठ ने क्या किया था? उपसर्ग किया। और धरने में आ गए तो उन्होंने अपने उपकार का याद करके उपसर्ग दूर करने की कोशिश की। ग्रंथकार कहते हैं जिस उपसर्ग को धर्मेंद्र दूर करना चाहता था वह भगवान को केवल ज्ञान होते ही स्वयं दूर हो गया। भगवान को जब केवल ज्ञान हुआ तो केवल ज्ञान होने पर उपसर्ग नहीं रहता कोई। और कैसी विचित्र बात, कैसी अद्भुत बात है, उस केवल ज्ञान की दशा को देख करके कमठ स्वयं नत हो गया, चरणों वैर विरोध भूल गया, उसकी भी कसाय समता से हार गई। उपकार का बदला, श्रेणी क्या कह रहा है, हे गुरु हमने बहुत से साधु देखे लेकिन उपसर्ग करने वाले को भी क्षमा भाव और आशीर्वाद ऐसा तो हमने आज देखा ही। ये हमारे जैन गुरुओं का चमत्कार है, ये चैतन्य का चमत्कार है। यशोदा जी कहते हैं हे राजन इसमें हमने क्या किया, हमारे कथा का भाव ही नहीं हुआ। अरे जिस पर उपसर्ग किया वह हम नहीं है और हमें उस पर उपसर्ग हुआ नहीं। सर्ग होते हैं नाटक में, नाटक में सर्ग होते हैं, उपसर्ग ऊपर के सर्ग हैं, ऊपर के दस्त हैं ये। अरे मरे ने मरे को डाला और मरे पाई डाला, मरे ने मरे को मरे पर डाला है, हमने हमारे ऊपर क्या हुआ है? देह के उपसर्ग से आत्मा पर उपसर्ग कहां हुआ, हम पर उपसर्ग ही नहीं हुआ एक बात। लेकिन व्यवहार हमारे ज्ञान में है, हम जानते हैं अगर बाहर का उपसर्ग भी हुआ है वो भी कर्म के, हमारे कर्म के कारण, तुम्हारे कारण नहीं। बाहर का उपसर्ग भी हुआ है तो हमारे कर्म के कारण हुआ है, तुम्हारे कारण नहीं हुआ है तुम्हारा कोई दोष नहीं। सीता जी क्या कहती हैं, राम का कोई दोष नहीं, प्रजाजन का कोई दोष नहीं, हमारा उदय है कोई बात नहीं, हम किसको दोष दें? पराया दोष न देखना ही उत्तम क्षमा है, पराया दोष देखना ही क्रोध है। पराया दोष देखेंगे बोल नहीं पाए लेकिन मन में तो आई आई, बहुत बेकार आदमी, बोल नहीं पा रहे कहीं लेकिन मन में तो आई आई, गाली सुन मन खेर ना, खेद वहीं नहीं आता जहां भेद होता है और भेद का ज्ञान होता है। पराया अपना दोष, पराया दोष देखना ये क्रोध है, अपना दोष देखना वह क्षमा है। जो अपने दोष दिखाई नहीं देता, जिसे पराया दोष नहीं दिखाई देता उसे क्रोध उत्पन्न ही नहीं होता। अरे आप क्षमा अब मांग रहे हो, हमारे तो जिस समय मरा हुआ सर्प डाला था उसी समय क्षमा हुआ, उस समय भी हमारे भीतर तीन चौकड़ी कसाय के अभाव रूप उत्तम क्षमा बरसती थी। सदगुरु कहें सहज का धंधा, परिणति सहज बढ़ती है। और जब पराया दोष दिखाई देगा अपने आप आएगी गुस्सा, गुस्सा तो बहुत आई फिर हम चुप रह गए, चुप रहने से व्यक्त नहीं हुई लेकिन भीतर आई तो उसका फल तो भोगना हुआ। अपन कह देती है क्यों सीताराम, क्षमा और उत्तम क्षमा में क्या अंतर है? मन
मालिक नौकर पर नाराज हो गया। अब वो नौकर को गुस्सा तो आ रही है लेकिन बोल नहीं पा रहा, नहीं नौकरी छूट जाता। क्षमा है, क्षमा भाव। उसने क्षमा मांग ली ऊपर से, लेकिन जहां क्रोध उत्पन्न ही नहीं हुआ वह उत्तम क्षमा है। उत्तम क्षमा माने सहज क्षमा, उत्तम क्षमा माने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक के होने वाली क्षमा। दस धर्मों में आपको उत्तम शब्द लगा है, विनय और उत्तम विनय, मार्दव और उत्तम मार्दव। ये क्या मतलब कि उत्तम माने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित जो विनय योग्य हैं, जो हमें हमारा मोक्ष मार्ग बताने वाले हैं, परम उपकारी हैं। अरे क्या करें, उपकारी के उपकार को जो भूल जाता है वह महापापी है, कृतघ्नी है। उपकारी के उपकार को कभी मत भूलना, उपकारी को नहीं भूलना ये नहीं कह रहे, उपकारी के उपकार को मत भूलना। वो उपकारी को तो भूलना ही पड़ेगा भैया, वो मंदिर का रास्ता कहाँ है आपने बता दिया, तो अब आप कोई पकड़ के बैठ जाए तुमने मंदिर को रास्ता बताओ, तुमने मंदिर को रास्ता बताओ, तो मंदिर पहुंचो। उपकारी को पकड़ के कि कैसे बैठ जाएंगे, रास्ता बताने वाले को ही वो पकड़ के बैठ जाए। लेकिन नहीं, जो उन्होंने रास्ता बताया है उस रास्ते पर चल पड़े और मंदिर पहुंच गए। वहां उसे भैया तुम आ गए मंदिर, अरे वो तो दादाजी मिल गए, उन्होंने हमें मंदिर का रास्ता बता दिया, वो सीधे चले आए, कोई दिक्कत नहीं हुई। एक लौकिक में भी एक दिन का भोजन करा दे गए उसका उपकार मानते हैं। बीमार को कोई उठा करके सहारा दे दे तो उपकार मानेगा, जिसने मोक्ष मार्ग बताया है। सच्ची बात है, जो गा रहे थे सोई बात है, जन्म जन्म तक ये उपकार कभी भूलने लायक नहीं। इस उपकार को सार्थक करो, इस उपकार को सार्थक करो। केवल जयकार बोलने से काम नहीं चलेगा, कुछ समझने से काम चलेगा। भगवंतों ने जो बताया है वो सीखो समझो, उसको जीवन में आचरण करो। भगवान ने कहा ये वैभव तुम्हारा नहीं है, तो काय के लिए कहा, इस वैभव के पीछे प्राण मत देव, प्राण मत देव। आपने सुना होगा पहले हमने कहा था, चंद्र प्रभु भगवान पूर्व भव में पद्मनाभ राजा थे। पद्मनाभ राजा एक दिन राज दरबार में बैठे, उधर पड़ोसी राजा पृथ्वीपाल का हाथी मतवाला हो गया, बिगड़ गया, और भगते भगते उपद्रव करते करते यहां आ गया। किनके, पद्मनाभ के राज्य में, और उठा पटक करने लगा। लेकिन जैसे ही पद्मनाभ राजा उठे और गए सामने, ए क्या कर रहा, गए जैसे कोई बच्चे को समझाता, क्या कर रहा है, शांत हो गया हाथी। उन्होंने उसको पुचकार करके अपने बांध लिया। कुछ दिनों बाद पृथ्वीपाल राजा का पत्र आया, हमारा राजा हाथी बिगड़ गया, वो तुम्हारे राज्य में आ गया है, तुमने वापस करना तो दूर है, तुमने अपने हाथ बांध लिया, या तो हमारा हाथी बात वापस करो और नहीं तो युद्ध के लिए तैयार। अब इतनी कौन सुने, राजसी गुण है, राजसी और तामसी वृत्ति तो खराब होती है, सात्विक वृत्ति अच्छी है। सात्विक भोजन ही नहीं होता, सात्विक वृत्ति भी होती है भैया। गऊ आदमी है, साधु आदमी है, कैसे बोल देते हैं, एक परिणामों से ही तो है, व्यवहार से ही तो है, और कैसे है, का उसके सींग लगे।
क्या उसके पास पछी कमर पीछे कमर न ले, साधु आदमी भैया। साहब का चार में लिखा, साधु जन भी उसे साधु मानते हैं, सरल परिणामी जो होता है, साधु जन भी उसे साधु मानते हैं। क्या मिलेगा? हाथी आ गया, युवराज ने कह दिया, जब हाथी उन्मत्त हो गया था तो तुम्हारे राजा का बल कहां गया था? हमारे राजा ने हाथी को बस में कर दिया तब तुम मांगने आ गए? क्या हमारा हाथी नहीं है तुम्हारे यहां? तुम्हारे पास और हाथी नहीं है क्या? संतोष नहीं है तुम्हें? यही हाथी के पीछे काय को लड़ रहे? उसने जाकर के प्रतिपाल से कह दिया, दोनों सेनाएं चल दी और दोनों सेनाएं मिल गई, युद्ध हो गया। युद्ध होने के बाद प्रतिपाल का जो युवराज था धर्मपाल, वह तो बंधन में पड़ गया, जिंदा पकड़ लिया और प्रतिपाल राजा मारा गया। पद्मनाभ राजा ने सोचा, इन निरपराधियों की ओर को मारने से क्या लाभ है, इसको देखो अपना हाथी वहां ले गया और जाकर के तलवार का वार किया, उसका वार बचा करके प्रतिपाल का मस्तक जमीन पर लुढ़कने लगा। मालूम है युद्ध में कौन जीतता है? पुण्य पाप से हार जीत होती है तो सैद्धांतिक बात है, लेकिन व्यवहार से भी युद्ध में कौन जीतता है? जिसे बाहर बचाना आता है और बाहर करना आता है। बाहर बचाना भी आना चाहिए शत्रु का और बाहर करना भी आना चाहिए, कर्मों पर प्रहार करना आना चाहिए। इस मोह की लड़ाई में कौन जीतेगा? पता, जम्बू कुमारी तो जीते रहे, रानियां कहां जीती? राग और विराग की लड़ाई, लेकिन जम्बू कुमार ने विजय प्राप्त कर दी। क्यों? उन्होंने उनकी तर्क को काट दिया और उनकी तर्क काट नहीं पाए। प्रतिपाल राजा को देख करके उन्होंने यही विचार किया, निरपराधियों से युद्ध करने से क्या फायदा, इन पर क्या बहादुरी दिखाएं हम। प्रतिपाल राजा को पकड़ो, सो उसको मार दिया। जब राजा का मरण हो गया, विजय हो गई, उन्होंने सरेंडर कर दिया, मतलब वो शांति का झंडा लहरा दिया, युद्ध को रोक दिया, भागो मत, युद्ध का कोई काम नहीं अब। एक सैनिक ने प्रतिपाल राजा का मस्तिष्क बहाले की नोक पर लेकर के इनाम पाने की अभिलाषा से पद्मनाभ को खुश करने के लिए उसके सामने ले आए। उस मस्तक को देखा और पद्मनाभ राजा विचार करने लगा, अरे धिक्कार है इस राजा को जिसने एक हाथी के पीछे कितने लोगों के प्राण दे, और मुझे भी धिक्कार है एक हाथी के पीछे इतने लोगों के प्राण ले लिए। उसने प्राण दे दिए, इसने प्राण ले लिए, हिंसा तो दोनों ही है, मरना और मारना दोनों हिंसा है, दुखी होना और दुखी करना दोनों हिंसा है। स्वाध्याय किया करो, भगवान के शासन को समझो भाई, ये कोई आश्चर्य की दशा नहीं है, ये सहज दशा है। वैसे बैठ रहे हो तो थक जाओगे और ऐसे बैठ रहोगे तो कभी नहीं थकोगे, क्यों? ये सहज दशा है, आनंद की दशा है। पद्मनाभ राजा ने कहा, अरे व्यर्थ ही एक हाथी के पीछे इस राजा ने प्राण दे दिए और मैंने प्राण ले लिए। सोचते सोचते विचारते हुए राजा सोचने लगा, अरे हाथी हाथी तो इसके पास भी बहुत है, मेरे पास भी बहुत है, हाथियों की बात हो रही है, वो तो मान कसाय के पीछे
जरा सी मन कथा के पीछे मैंने प्राण ले लिए और इसने प्राण दे दिए। धिकार है इस मन कथा को। पुराण में आया जहां पग पग पर कसायों के अवसर बनती है, ऐसा ग्रस्त जीवन अब हमें इष्ट नहीं। अब तो हम उस मुनि मार्ग पर चलेंगे, निर्गम के मार्ग पर चलेंगे जहां कभी कथाएं उत्पन्न नहीं होती। धर्मपाल युवराज को बंधन छोड़ा, बुलाया, बेटा अब मेरे युवराज के साथ मैत्री करके रहो, तुम्हारे पिता का राज्य करो आराम से, तुम जाओ, तुम्हें छोड़ दिया। और उसी समय मुंडा एक उतरे युद्ध क्षेत्र में, जहां मार काट की मछी खून की नदियां बह रही हैं। मुंडा जो तेरे उपादान की तैयारी है तो निमित्त उतरता है। आपका उपादान तैयार होगा तो हमें कहने का भाव आएगा, और अगर उपादान तैयार नहीं होगा तो हम कहें छोड़ो क्या करना है। सच्ची बात है। कोई और उतरा था भैया आकाशी। अरे जब सिंह को संबोधन करने के लिए मुंडा आकाश से ही तो उतरे थे, और जब भरत चक्रवर्ती का द्वारा पोषण के लिए खड़े थे आहार देने के लिए तो मुंडा आकाश से उतरे। है उपादान तैयार जहां वानव से निमित्त उतरता है। मुंडा आए, उन्होंने उपदेश दिया और राजा को बैराग हुआ। राजा ने वहीं से दीक्षा के लिए चल दिया, राज को लौट करके नहीं आया। फिर पुत्र से कह दिया बेटा जाओ राज संभालो, हम मुक्ति का साम्राज्य संभालेंगे। ये तो अद्भुत मार्ग है और बड़ा सरल मार्ग है। क्या एक क्षण पहले कितनी क्रूरता, कितना क्रोध, और एक क्षण पहले बाद में कुछ नहीं, मानो कुछ हुआ ही नहीं। सच्ची दशा है। पंडित बनारसी दास जी ने कहा धर्मात्मा जीव की परिणति ऐसी होती है जैसे लोहार की सरासी। लोहार की सरासी देखी है तुमने, पानी में झलते घर से आगी। ज्ञानी की परिणति भी झर से शांत और झर से नेक्स्ट देर के लिए क्रोध आ गया पानी की रेखा के समान। लेकिन उस क्रोध पानी की रेखा के समान के क्रोध को भी मुनिजन अच्छा नहीं मानते, हे मानते हैं, और उसको भी त्याग करके इस परमात्मा दशा को प्राप्त कर लेते हैं। पानी की रेखा के समान के क्रोध और पत्थर की रेखा के समान क्रोध करके क्या करोगे भैया, अनंत संसार में जुलोगे। जैसे गंदगी अभी हो जाए तो अभी साफ करते हैं, कल अब देखेंगे ये नहीं है, हर की हर साफ करते हैं। लेकिन बहुत सी गंदगी ऐसी रह जाती है जो कोनों में कहीं कहीं रह गई, दिवाली के दिन वो भी साफ हो जाती है। ऐसे धर्म पर्वों के दिन ये पापों का प्रायश्चित तो तुरंत ही करने लायक है, कसाएं रखने लायक नहीं है, अच्छी चीज नहीं है, बहुत बुरी चीज है। कसाएं स्वयं को दुखी करती हैं और अन्य के दुख में निमित्त होती हैं, वातावरण बिगड़ता है, इसलिए रखने लायक नहीं है एक क्षण भी। लेकिन दिवाली का दिन जैसे आता है कोने में रही वो भी जहां झाड़ के साफ कर लेती है, वो जहां झाड़ू नहीं लग पाती वहां भी झाड़ू लग जाती है। ऐसे मन के कोने में भी कोई विकल्प रह गया हो तो धर्म पर्व के दिनों में साफ करने लायक है, एक क्षण भी रखने लायक नहीं, वो तो उत्तम बात है। लेकिन धर्म पर्व के दिन तो कम से कम निर्मल हो जाओ, साफ कर लो। अरे रोज काम करना पड़ता है, तुम चाहे ऐसे कपड़े पहनते हो ठीक है, वो भी कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन त्योहार के दिन तो साफ साफ कर। भगवान जिनेन्द्र देव का हमें शासन मिला है, स्वानुभव से प्रमाण करें,
सोचें और विचारें। टोटरामल जी कहते हैं भैया तू विचार करके देखना तुम पे संसार के दुख भी बीतते हैं या नहीं, और ये तुम्हारे उपाय झूठे हैं कि नहीं। अगर तुम्हें ये लगे ये दुख बीतते हैं और ये उपाय झूठे हैं तो हम जो उपाय कहते हैं वो करो, तुम्हारा कल्याण होगा। ओम नमः।